बिग हेलो टू ऑल द यूट्यूब पीपल हु आर वॉचिंग दिस सेशन। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ सुनील भैया है एंड आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग द विशेस। हम अपने विश जो भी हमारी होती है उसको कैसे हम मैनिफेस्ट करें, इसकी क्या आर्ट है। एंड सुनील भैया, आपको मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम आप आए थे और आज आप आए हो, वी आर डूइंग इट डेली। तब से हम लोग ने एक दिन का भी गैप नहीं लिया है और कुछ ही दिन पहले जस्ट परसों ही हमारे 500 एपिसोड्स खत्म हुए एंड ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। पर्पस यही है भैया कि इसके थ्रू हम जो भी लोग ये देखते हैं सेशन, उनके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, उनके जीवन में एक खुशी आनी चाहिए, उनका लाइफ एक सेलिब्रेशन बनना चाहिए। वहीं तक वो ना रुके, वो एक वॉलंटियर बने और एक स्ट्रेस फ्री और वायलेंस फ्री समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे। यही गुरुदेव का विजन है और गुरुदेव के विजन को हमने अपना मिशन बनाया है और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड भैया, जिस तरह मैंने बताया कि ये संघ डिवोटीज का एक संघ है, हम लोग सब एक जगह इकट्ठा करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं, अलग अलग मीन्स के थ्रू अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। एंड भैया, ये बहुत इनफॉर्मल और कैंडिड एनवायरनमेंट में होता है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं, नॉलेज ब्लॉसम्स इन अ इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। भैया, आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं ग्रुप के आगे, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं बट स्टिल। सो सुनील भैया के बारे में बताऊं तो ही इज एन इंटरनेशनल फुल टाइम फैकल्टी विद आर्ट ऑफ लिविंग सिंस 2009। ही इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड QCI लेवल 2 योगा ट्रेनर एंड हैज ट्रेवल्ड इंटरनेशनली टू इम्पार्ट द सेम। He has facilitated many organizations like Indore Chamber of Commerce for Social Work, Indian Army and BSF for conducting yoga. He has trained students in many premier institutes and corporates like IIT, IIM, NITs, Tata, Cummins, Nicholas Parimal, Compton and Greaves, to name the few. As Art of Living teacher, he has trained more than 100,000 corporates and students till now, and he has traveled to different parts of Europe, South Africa, Indonesia, and has trained and mentored a diverse crowd of people. And today, भैया हमारे साथ है और आज हम discuss करने जा रहे हैं art of manifesting wishes. भैया, तो मेरा पहला question आपसे यही रहेगा, हम जितने भी लोग हैं बहुत सारी हमारी मन में इच्छाएं होती है, wishes होती है, कुछ मैनिफेस्ट होती है, कुछ नहीं हो पाती है, इसके पीछे का आर्ट क्या है? यस भैया, ओवर टू यू। ऑलराइट, सो कैन यू मेक मी को-होस्ट प्लीज? यस भैया। ओके, जय गुरुदेव, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? परफेक्ट भैया, कंप्लीटली। या देखिए, सब अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है ना, तो आपको सबसे पहली तो बात ये माननी पड़ेगी, ये समझनी पड़ेगी कि आपका ये जो जन्म हुआ है, आपका ये जो जन्म हुआ है, ये जन्म ही इच्छाओं की वजह से हुआ। ऑल दी अनफुलफिल्ड डिजायर्स which could not be erased or completed led to this individual who is here. क्योंकि मृत्यु के समय शरीर तो चीर्ण शीर्ण होकर छूट जाता है, लेकिन जो बच जाता है वो हमारा मन, और उस मन पे पड़े हुए हमारे संस्कार, और वो संस्कार को अगर आप लूजली ट्रांसलेट करेंगे तो यू विल रीच टू अ प्लेस विच इज कॉल्ड डिजायर्स और विशेस। अब दो बातें हैं यहां पे बड़े ध्यान से देखने वाली, समझने वाली। एक इच्छा, एक डिजायर खत्म होती है तो दूसरी चालू होती है। डिजायर ऐसी चीज है जिसके पीछे आप जितना भागते हो, आप अपने आप को वहीं खड़ा पाते। एक डिजायर खत्म हुई, आपको लगा अब तो जीवन में तृप्ति आएगी, लेकिन पता पड़ता है वो माय गॉड
अभी तो दूसरी बाकी है। तो जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि ये डिजायर्स की भी दो कैटेगरी है। एक ज्ञानी व्यक्ति 12 महीने में एक इच्छा करता है शायद, पर एक अज्ञानी व्यक्ति 1 महीने में 12 इच्छा करता है। ज्ञानी का सबसे पहला लक्षण क्या है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को सीमित कर लेना। जितना ज्यादा आपके मन का घोड़ा दौड़ता रहता है, ये भी कर लू, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, उतना फिर आपका मैनिफेस्टेशन डाइल्यूट होने लगता है। अब आप नोट करो, आपकी हर एक्शन के पीछे कोई इच्छा छुपी हुई है। पानी पूरी खाना है तो उसके पीछे क्या विश है, क्या डिजायर है, तृप्ति आ जाए, इज़न्ट इट? कहीं घूमने जाना है, उसके पीछे क्या आपका विश है, मेरी आंखों को मजा मिल जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। किसी व्यक्ति से मिलना है, हर आपका एक्शन ही विश ओरिएंटेड है। तो जब इतना ज्यादा हम विश 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 डिजायर 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 डिजायर, फिर वो उस जवाई के जैसे हो जाती है इच्छा है, जो अपने ससुराल में पड़ा हुआ रहता है तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जवाई साहब अगर साल में एक बार ससुराल जाए तो क्या आवा भगत होती है उनके, अरे आइए आइए जवाई साहब आइए आइए, या आपके लिए स्पेशल नया सूट, या आपके लिए नई डिशेस, मतलब वो खाना वो टेबल कम पड़ जाती, इतनी तो डिशेस बन जाती। लेकिन अगर वही जवाई हर रोज जाके ससुराल में बैठ जाए फिर क्या होता है, बोले बुढ़बक रोज आ जाता है, ठीक है आज ये हमने तो हम ये सूखी रोटी और अचार खा रहे हैं, आप भी खा लो जवाई साहब, अब आप भी क्या याद रखोगी। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना है कि इच्छाएं खत्म हुए बिना हमारी मुक्ति नहीं है। लेकिन इच्छाओं का कैच 22 ये है कि एक इच्छा खत्म आप करते हो तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो हाउ टू स्ट्राइक द बैलेंस, ये बैलेंस हमारे जीवन में आता है हमारे चेतना के गुण से। जितनी हमारी गुण रजोगुण है चेतना का, रजस से भरा हुआ है, उतनी ज्यादा मन में हलचल होती है तो उतनी ज्यादा डिजायर आती है। यही तमोगुण से यदि भरा हुआ हमारा गुण है, जो हमारी चेतना का गुण है उसमें तमोगुण अगर डोमिनेंट है, तमस डोमिनेंट है, तो क्या होता है, तामसिक इच्छाएं उठती है। और यही अगर सतोगुण हमारा डोमिनेटिंग है तो सात्विक इच्छाएं, टाइमली इच्छाएं, वो इच्छा जो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए भी कंजीनियल है, फिर वो इच्छाएं उठती है और ऐसी ही इच्छाएं पूरी होती है। ऐसी ही इच्छाएं, जितना ज्यादा हम सत्व में होते हैं उतना ज्यादा कार्य सिद्धि को बल मिलता है। सत्व सिद्धि इज इक्वल्स टू कार्य सिद्धि। नाउ अब अगर विशेष को आप ध्यान से देखेंगे तो आप कभी भी कोई मंदिर गए हैं, या आप में से कई लोगों ने भी जब ये सुदर्शन क्रिया सीखी तो कुछ तो आपके मन में रहा होगा कि भाई मेरे को मेरी बीमारी से मुक्ति मिल जाए, मेरे मन का ये जो क्लेश भरा रहता है उससे मुक्ति मिल जाए, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन आ जाए। हर डिजायर के पीछे आपका एक्शन ओरिएंटेड, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? या तो अब ये डिजायर्स तो हमें हर पल उठती है, उसमें से कुछ हमारी पूरी होती है, कुछ हमारी पूरी नहीं होती है, तो इसके पीछे साइंस क्या है आज हम वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और अपनी शुभ इच्छाओं को हम पूरा कैसे करें आज हम उसको भी समझेंगे। जितना हमारा मन क्लटर्ड है
वाय 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 वाय, इसने ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं ऐसा हूं, मेरे को ये नहीं मिला, उसने ऐसा हो गया, उतना ज्यादा फिर आप अपनी विशेष को फुलफिल करने से दूर होते जाते। जितना ज्यादा मन आपका बाल मन है, गुरुदेव कहते हैं ना, बी लाइक अ चाइल्ड, डोंट बिकम चाइल्डिश बट बी लाइक अ चाइल्ड। जितना ज्यादा हम उस बाल सुलभता में रहते हैं, जितना ज्यादा हम उस बालपन में रहते हैं, जितना ज्यादा हम इनोसेंस में रहते हैं, उतना हमारा मैनिफेस्टेशन जल्दी हो। अब ये इनोसेंस कैसे लेके आए, ये मन के क्लटर को कैसे खत्म करें, तो मैं आज डायरेक्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा, हाउ टू गेट योर विशेस मैनिफेस्टेड, गुड विशेस मैनिफेस्टेड। लेकिन ये मार्ग मैं आपको बता दूं, ऐसा जादुई मार्ग है, अगर आपकी क्रिया साधना बराबर है तो क्या होता है कि ये जो ऊपर, ये जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स शक्ति है, ये भेद नहीं कर पाती। आप जो अच्छा मांगते हो उस पे भी इस मार्ग में तथास्तु होगा, आप बुरा मांगोगे तो उस पे भी इस मार्ग पे तथास्तु होगा। अच्छा मांगोगे तो उसके रिटर्न, उसकी वाइब्रेशन सब अच्छी 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 आएंगे। बुरा मांगोगे होगा जरूर पूरा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा। तो सबसे पहली बात तो एज ए साधक आप याद रखें, जब भी आपकी विश हो, जो आप मांगना चाहते हैं, वो होनी चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसीलिए देखो गुरुदेव हर बड़े मेडिटेशन के बाद में, हर इवेंट के बाद में, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, ऐसे ध्यान किया। अब ध्यान करने से जो मैंने बताया ना, मन का क्लटर खत्म होना, उस वो कैसे हो पाता है, सुदर्शन क्रिया से, ध्यान से, जो मन में इतना कंफ्यूजन है वो कैसे पूरा हो पाता है, वो कैसे हम उसको ठीक करें, सुदर्शन क्रिया और ध्यान से। लेकिन उस हर ध्यान के बाद में गुरुदेव का क्या आशीर्वचन सुनते हैं हम लोग सब, लोका समस्ता सुखी नो भवंतु। जब भी हमारे मन में दूसरों का भला करने की एक इच्छा है, चाह है, तो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, हमारी बड़ी इच्छाएं तो पहले पूरी हो जाती। तो पहली लर्निंग क्या है हमारी, ऑलवेज थिंक गुड अबाउट अदर्स एंड गुड फॉर अदर्स। इससे क्या होता है पता है, भाव शुद्धि होती। भाव शुद्धि किससे होती है, सत्संग से होती है, मंत्र उच्चारण से होती है, और किससे होती है, दूसरों के प्रति सद्भाव रखने से होती है। जितनी आपके भाव शुद्ध रहेंगे उतना आपके विशेष का मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। विशेष का खेल कैसा है, कुछ पूरी होती है और कुछ पूरी नहीं होती। अभी विज्ञान भैरव कोर्स मैं गुरुदेव के साथ में करने के लिए गया था बैंगलोर आश्रम, गुरुदेव ने उसमें एक बहुत सुंदर बात बोली, डू यू नो व्हाई योर विशेस डोंट गेट फुलफिल, क्या तुमको पता है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। तो मुझे तो खैर मैं काफी बार सुन चुका हूँ गुरुदेव के मुंह से, तो मुझे तो पता था, बट कुछ लोगों ने हाथ उठाया। तो गुरुदेव ने बोला, तुम्हारी इच्छाएं पूरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि जैसी तुम्हारी एक इच्छा उठती है, एक संकल्प उठा, इच्छा का दूसरा पर्यायवाची क्या है, संकल्प। जैसे एक तुम्हारे मन में संकल्प उठता है, तुम्हारे मन में उसके 10 विकल्प भी उठ जाते हैं। विद वन थॉट कम्स 10 एंटी थॉट्स। फिर गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था, मान लो तुमको गोवा जाना है, दिस एग्जाम्पल वॉज गिवन बाय गुरुदेव। तो साथ में लेकिन अचानक से विकल्प क्या उठता है, अरे कभी कोरोना वहां पे आ गया तो, मेरे को वहां पे कुछ हो गया तो, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, एक हमारे संकल्प के ऊपर 10 विकल्प हमारे भारी पड़ते। एक तो ये कारण है इच्छा पूरी नहीं होने, दूसरा बहुत सारी इच्छाओं का भंडार होना, उसमें क्या होता है हमारी पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो भी नहीं हो पाती। तीसरा मन में बहुत अगर कुटिलता हो, दूसरों के प्रति बैर भाव हो, गुस्सा हो, जितना मन निर्मल होता है ना उतनी आपकी इच्छाएं की पूर्ति जल्दी होती। तो अब हमारी इच्छाओं को हम कैसे मैनिफेस्ट करें, क्या करें, तो आज हम 4-5 बातें समझते हैं इसको लेके। अलग अलग मैं आपको बातें बताऊंगा, जो आपको सूट करे वो आप उसको पकड़ लें। सबसे पहले
तो अगर आपको कोई भी इच्छा पूर्ति करनी है तो जैसे मैंने बताया कि मन का अनक्लटर्ड होना जरूरी है। तो अनक्लटर्ड होने के लिए क्या, नियमित साधना, नियमित अभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो प्राणायाम आप करते हो वो आपको ठीक है, प्राणों को ऊर्जा से भर रहा है, फलाना दिमाग का जो बेनिफिट है, सबसे बड़ी बात है वो आप में धैर्य लेके आता है, वो आप में समता लेके आता है। जब इतनी देर आप बैठते हो एक ही पोजिशन के अंदर और सांस लिए जा रहे हो, छोड़े जा रहे हो, लिए जा रहे हो, इससे आपके जीवन में धैर्य आती, समता आती। बात बात क्या, ऑफ बैलेंस नहीं होती। जब ऑफ बैलेंस नहीं होते हो तो मतलब समता मतलब क्या, मन भी टिकने लगता है हर परिस्थिति में। जितना आपका मन टिका हुआ रहता है उतने आपकी संकल्प की पूर्ति अतिशीघ्र होती। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, इफ यू वॉन्ट टू गेट योर डिजायर्स, योर संकल्प आज फुलफिल्ड, नंबर वन इज अभ्यास, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता वाला अभ्यास, लंबे समय तक, विदाउट अ गैप, विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। दूसरा, अब अभ्यास तो आप कर रहे हो, सुबह 11 बजे उठ के क्रिया करने बैठ रहे हो, उसका अपना है इंपॉर्टेंस, ठीक है, मतलब कोई आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन फायदा कब मिलता है, जब वातावरण में छंद मिनिमम हो, व्हेन देयर आर मिनिमल वाइब्रेशंस इन द एनवायरनमेंट, एंड व्हेन इज दैट टाइम, अर्ली मॉर्निंग। और उस अर्ली मॉर्निंग में भी कौन सा टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। ब्रह्म मुहूर्त में आपके द्वारा किया हुआ कोई भी संकल्प बहुत अतिशीघ्र फुलफिल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप, अगर आप उठते हो सुबह 4 बजे, आप उठ के देखना, अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, हर जगह का ब्रह्म मुहूर्त सूर्यास्त सूर्योदय के 90 मिनट पहले का होता है, आपके सूर्योदय के टाइम में से 90 मिनट सब माइनस कर लोगे तो आप अपने ब्रह्म मुहूर्त पे पहुंचोगे। अब उस ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे और आप देखोगे तो आप एकदम शून्य अवस्था में होते हो। शून्य अवस्था बोले तो क्या, तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था मींस सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड। कॉन्शियस स्टेट ये जो भी आप हो वो कॉन्शियस स्टेट, स्लीपिंग स्टेट जब आप सो जाओगे तो वो स्लीपिंग स्टेट है। उस स्लीपिंग स्टेट में जब आप ड्रीम देखते हो तो थर्ड अवस्था होती है स्वप्न अवस्था, दैट इज ड्रीमिंग। और चौथी अवस्था होती है तुर्य अवस्था। बाय डिफॉल्ट ब्रह्म मुहूर्त में आप तुर्य अवस्था को उपलब्ध रहते हो। तुर्य अवस्था में दैट कनेक्शन बिकम्स वेरी इजी। दूसरा ये, तीसरा, कुछ विशेष ऐसे समय आता है, जैसे अभी सावन का समय गया, अभी नवरात्रि का समय आने वाला है ना, कुछ विशेष ऐसे दिन आते हैं जब यूनिवर्सल एनर्जी इज सो हाई दैट ड्यूरिंग दैट टाइम योर विशेस गेट मैनिफेस्ट वेरी सून। पहला क्या, निरंतर अभ्यास। दूसरा क्या, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो। तीसरा, कुछ विशेष समय जैसे सावन के 1 महीना, नवरात्रि के वो 10 दिन, कोई सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है, ऐसे कुछ कुछ विशेष, शिवरात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, होलिका है, ये कुछ ऐसे विशिष्ट समय रहते हैं जब संकल्पों की सिद्धि आसान हो जाती है। नेक्स्ट, और विशेष मैनिफेस्ट कैसे होती है हमारी सही समय पर, मंत्र उच्चारण का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। आप देखिए, गुरुदेव को आप नोट करेंगे तो हर मंडे को गुरुदेव रुद्र पूजा करते हैं, हर फ्राइडे को देवी पूजा करते हैं, और कोई ना कोई हवन में गुरुदेव नियमित रूप से सम्मिलित होते हैं। हवन का, यज्ञ का बहुत महत्व है, और विशेष तौर पर अगर आप खुद करें तो और भी अच्छी बात है। अब इसका मैं आप लोगों से सबसे एक अभी एग्जाम्पल लेटेस्ट शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट। मैं अभी कोरोना आया, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फुल टाइम टीचर आई एम आल्सो इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। आई हैड 28 प्रॉपर्टीज कंसिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट लिविंग, स्टूडेंट लिविंग, पीजीज एंड हॉस्टल्स। बिजनेस वॉज लाइक ऑन फुल बूम, आर्ट ऑफ लिविंग वॉज ऑलरेडी ऑन फुल बूम, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट सडनली दिस कोरोना केम।
कोरोना आया तो सबसे ज्यादा जो वर्स्टली अफेक्टेड सेक्टर था वो था हॉस्पिटैलिटी। अब जब गुरु जीवन में आते हैं ना तो छप्पर फाड़ के मेहर बरसती, छप्पर फाड़ के लेने वाला होना चाहिए, गुरु देने के लिए बैठे होते हैं, ये बात आप जान। तो भाई मेरा भी जीवन में बहुत समृद्धि 2018-19 में आई डिड मेजर इन्वेस्टमेंट्स दिस दैट लॉन्ग, अब वो हो तो गए लेकिन 2019 में इन्वेस्टमेंट किए आप मानिए जुलाई अगस्त में, और 9 महीने बाद ही कोरोना देव आ गए। अभी आ गए तो पहले तो सोचा चलो ठीक हो जाएगा, अभी जा रहा पता पड़ा है, पहले फर्स्ट वेव आई, उससे भी खतरनाक सेकेंड वेव आई, कुछ हुआ ही नहीं चालू। तो चूंकि गुरु जीवन में रहते हैं समृद्धि रहती है, अंदर एक संभाव बना रहता है, वो अपनी बिल्कुल ठीक जगह है, लेकिन जो आपने इतने इन्वेस्टमेंट कर दिए बड़े बड़े तो नेचुरली उसके रिपरकशंस तो साथ में खड़े थे। मैंने बोला इतने सारे हैं तो चलो इसमें से एक प्लॉट को मैं रिलीज करता हूँ। अब वो प्लॉट का वैल्यू था 3 करोड़ रुपीज जब मैंने लिया था। अब उसको मार्केट में लगाया मैंने तो कोई बोले 2.8, कोई बोले 2.5, और जो मेरे साथ वाले थे बोले अरे कभी भी प्रॉपर्टी में ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जरूरत हो तो बैंक के अंदर ईएमआई चल रही है इससे तो अच्छा है 25-50 लाख रुपए में कम में इसको देके खत्म करूं। मैंने बोला ठीक है भाई अगर ऐसा ही होता है तो यही सही। तो यूजुअली गुरु के मार्ग में होता ऐसा है कि आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, पर जब आपका खुद का समय आपके कर्मों के हिसाब से टाइट चल रहा हो, है हर व्यक्ति की अलग अलग दशाएं आती है, आपकी जब राहु की दशा आएगी तो आप कुछ अलग महसूस करोगे जीवन में, जब आपकी बुध की दशा आएगी तो आप बड़ा अलग महसूस करोगे, गुरु की दशा में और अलग महसूस करोगे। तो ये अपने कर्मों के अनुसार अपना ब्लू प्रिंट बना रहता है जिसको हम कुंडली कहते हैं। तो उस हिसाब से अभी हमारी शनि की महादशा थी जो स्पिरिचुअली तो बड़ी अच्छी होती है लेकिन आपको बाकी जगह बहुत फटके पड़ते हैं जोरदार वाले। अभी मैंने बोला अच्छा अभी तो मैंने मन बना लिया, मैंने चलो ठीक है अभी ऐसा ही होता होगा मार्केट में, अपने को तो खरीदने का तो आइडिया, बेचने का तो ज्यादा है नहीं, तो मैंने मन बना लिया चलो ठीक है। अभी इतनी देर में सावन आया मतलब आज से महीने भर पहले की बात, तो हमने ऐसे ही संकल्प लिया, हम लोग जो डेली मॉर्निंग साधना करते हैं तो हमें से 25-1 लोग करते हैं, 25-30 लोग डेली साधना, उनमें से 8-10 लोगों ने हमने संकल्प लिया टू डू होमा डेली त्रयंबकम होमा। तो एक विश मांगने का जो अगला नियम है वो है यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंडेड। मैं आपको इस मार्ग का प्रभाव बता रहा हूँ, डोंट गेट इनटू फिगर्स एंड ऑल, ज्यादा उसमें दिमाग में मत रखना। तो अब जब आप ऐसा कुछ प्रयोजन करते हो, जब आपके आपके पुरुषार्थ से आपके काम नहीं बनते हैं तो परमार्थ की आपको मदद लेनी होती है, उस परमार्थ का एक स्वरूप है डूइंग यज्ञस। अब उस यज्ञ में हम लोग ऑनलाइन करते थे, सबको मैंने पहले सिखा दिया था कैसे करना है, पर हम लोग मोस्टली साथ में करा ये 30 days ऑफ सावन वी डिड इट टुगेदर। उसमें संकल्प लेना होता है आपको कि भाई व्हाट आप ये कर क्यों रहे हो यज्ञ, क्या चाहते हो आप इस यज्ञ से। उसमें मैंने संकल्प लिया कि भाई मेरा ये जो फलानी जो कॉलोनी अशोक नगर उसका ये प्लॉट 31 अगस्त के पहले पहले 3.16 सीआर से 3.21 के बीच में सेल ऑफ हो जाना चाहिए। अब वो 22 अगस्त के दिन हमारा होमा खत्म हो गया, 22 अगस्त राखी वाले दिन रक्षाबंधन के सावन 30 days का पूरा हो, और मैंने भी ज्यादा ठीक है मन में पता था लेकिन कोई उसको ज्यादा ऐसा हीट नहीं दिया कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। एक और इम्पोर्टेंट बात है वो फीवरिशनेस नहीं होनी चाहिए मन के अंदर, फेथ होना चाहिए। तो मैं तो करके भूल भी गया कि अच्छा ऐसा कुछ मेरे को एक्सपेक्टेशन भी है। अचानक से 27 अगस्त के दिन मेरे को शाम को 7 बजे फोन आया, हमारे वो जो ब्रोकर है लैंड डीलर है बोले एक पार्टी है वो आपसे मिलना चाहती है। अब मैं उनके पास में जाके बैठा, पार्टी ने बोला ये जो ब्रोकर है इन्होंने बताया कि आपका जो लैंड है वो आप 3.42 करोड़ रुपीज में देना चाहते थे। मैंने मन में बोला मैंने तो अभी इतना सोचा ही नहीं, मैं तो 2.8 सोच के बैठा हूँ। तो मैंने ब्रोकर की तरफ देखा तो बस उसने आंखें ऐसे गुरुजी के जैसे टिमटिमा दी। मैं ठीक है, मैंने बोला हाँ वो तो इतना तो है, इसका वैल्यू है भी और एक्चुअली है भी उसका, लेकिन कोरोना की वजह से आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच।
बोले लेकिन आसपास तो आप तो 13,500 का रेट मांग रहे हैं, आसपास तो 11,000 रुपीज का रेट चल रहा है। मैंने कहा बट ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग, नॉर्थ ईस्ट का है। तो फाइनली जो डील मैंने सोची थी कि 2.8 में भी हो जाए तो मैं गंगा ना हूं, तो 3.33 करोड़ में दैट डील गॉट फाइनलाइज्ड। नाउ व्हाट आई वांट टू एस्टेब्लिश हियर इज कि अगर आपकी साधना रेगुलर है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर विश आपकी चाहते हैं, हमारा मन इतना पावरफुल है कि आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। योर माइंड इज सो सो पावरफुल, बट ओनली थिंग विच यू शुड लर्न इज हाउ टू टेम योर माइंड। आपको अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना आना चाहिए। कंट्रोल में रखने का मतलब ये नहीं कि आपको जीवन में कभी गुस्सा नहीं आएगा, पूरे 24 घंटे में से कभी आपका मन दुखी नहीं होगा, कभी आपको नेगेटिव थॉट आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो नेगेटिव थॉट आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कितनी जल्दी चले गया वो इम्पोर्टेंट है। वो गुस्सा आया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कितनी जल्दी पास आउट हो गया आपके अंदर से वो इम्पोर्टेंट है। वो आपका मूड स्विंग हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कितनी जल्दी वो मूड स्विंग से आप बाहर निकल गए दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये सारी चीजें आपको गुरुदेव के बनाए हुए पैकेज में मिलती है, वो है डेली हमारी सुदर्शन क्रिया, साल में 2 बार एडवांस कोर्स, ये सब। और अगर आपको और अच्छी अपनी किस्मत चमकानी हो कि आपके सोचते बराबर काम हो जाए, तो VTP यानी कि वॉलेंटियर्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके माध्यम से आप फ्यूचर में टीचर बन सकते हैं। ये कभी जीवन में छोड़ने योग्य चीज नहीं, क्योंकि कर कर के जो मिले वो है कौड़ी का, और कृपा से जो मिले वो है करोड़ों का। करते जाते करते जाते करते जाते तब जाके कोई कौड़िया हाथ में आती है। और ये मार्ग ऐसा है, इसको नाम ही दिया है पतंजलि ऋषि ने, राजयोग। क्या नाम है? राजयोग। एकदम राजाओं वाला ये तो मार्ग है। आपके सोचने से पहले आपके विशेष मैनिफेस्ट हो, ये मार्ग। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो विश, जैसे हम होमा भी करते हैं उसके बाद में हमारा लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, ये जितना भी यज्ञ है इसका फल समस्त लोगों को भी मिले। आप एडवांस कोर्स खत्म करते हैं, आप देखिए एडवांस कोर्स में आखिरी में क्या होता है, भाई आप अपने सारे परिजनों को ब्लेसिंग दें, इस मौन के फल को आप सबके साथ बांटें, अपने दोस्तों को भी आशीर्वाद दें, अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद दें। जितना आपके मन से दूसरों के लिए अच्छाई निकलती है, अच्छे एक्शन निकलते हैं, उतनी आपकी विश मैनिफेस्ट फास्ट होती है। तो विश को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? स्पेसिफिक विश, टाइम बाउंडेड विश। एक दिन मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं, आएगा वो एक दिन, हो सकता है 80 साल की उम्र में। बी स्पेसिफिक, मुझे इस समय पे, इस समय में, इतने समय में मुझे ये चाहिए। जो आप सोचोगे ना उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है, ये इस मार्ग की गारंटी है। मेरे 16 साल का अनुभव है, मैंने जो जो अच्छा मांगा वो तो मिला ही, गुस्से में कभी गलत मांग लिया वो भी हो गया पूरा। ऐसा हुआ गुस्से में, वो सिल्वर जुबली 2006, आई वॉज ऑफेंडेड विथ समथिंग, मैंने बोला भगवान करे ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो गया। 2-3 साल में हुआ लेकिन हो गया, बड़ा बुरा हुआ। तो ये मार्ग एक और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डेली साधना करते हो तो अपने अंदर खुद के प्रति और दूसरों के प्रति नेगेटिविटी ऐसे आने नहीं देना कि इसका ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, इसका डिवोर्स हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, वो वाकई में फलित हो जाता है और उसका फिर फल भी आपको उतना ही मिलता है बुरा। तो विश मैनिफेस्टेशन का नियम क्या है? जितना आपका मन अनक्लटर्ड रहेगा, जितना आपका मन शांत रहेगा, उतने आपका विश मैनिफेस्ट एकदम फास्ट। एक बार में कितनी विशेष मांग सकते हैं? आइडियली एक मैक्सिमम 2। सबसे अच्छी विश क्या होती है? मैं ये चाहता हूं ऐसा हो जाए, या इससे बेहतर जो मेरे लिए हो वो हो जाए। आपने सोचा मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, भगवान प्लीज ये मैं आपकी रोज तपस्या कर रहा हूं, मेरा मन एकदम शांत है, मेरी इससे शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, तथास्तु। हो गई शादी, 2 साल के बाद दे फटाके पढ़ने चालू, टाइम पे घर नहीं आता है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू धर्म खराब ऐसा करा तूने, मैंने तो समझा था तुझे 10 का कलदार, तू तो निकला खोटा सिक्का। तो क्या होता है, कई बार हमको हमारी छोटी बुद्धि से लगता है कि ये सही है,
लेकिन वो आपके लिए कंजीनियल नहीं होता, आप उसी को मांग बैठते हो। इसलिए हमेशा विश कैसी मांगनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि ऐसा हो जाए, या इससे इससे और ज्यादा अच्छा जो मेरे लिए हो वो हो जाए। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, थोड़ी स्टैंडर्ड की बात बताता हूँ। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई बड़ी निम्न कोटि की, ठीक है, लाइफ में हम जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ हैं, तो कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके लिए कभी कभार ऐसा 16 साल में पहली बार कुछ जैसे मैंने मांगा, मांग लिया आपने, अच्छी बात है। सबसे अच्छी विश क्या है? लेट मी बी फ्री फ्रॉम दिस प्रपंच, लेट मी बी एनलाइटेंड, लेट मी हैव द मोक्ष, लेट मी हैव कैवल्य, दिस इज द हाईएस्ट। क्योंकि वो पाने के बाद में कुछ पाने के लिए बचता ही नहीं, सब कुछ ही आपको उपलब्ध रहता है। जिस तरह से अभी हवा आपके चारों तरफ है, आपको कभी दिन में ख्याल भी नहीं आता है कि मैं हवा इकट्ठी कर लूं, थोड़ी सी जेब में भर लूं, थोड़ी सी कल के लिए बचा के रख लूं, थोड़ा सा ज्यादा अभी ले लूं, आता है क्या? नहीं आता। लेकिन किसी होटल में जाते हैं, वहां पे पैकेट में अगर सौंफ भी होती है ना, घर पे डब्बा भर के रखा हुआ सौंफ का, चार पुड़िया उठा लेते हैं कि चलो जेब में रखते हैं, ऑफिस जाएंगे तो थोड़ी बाद में खाने में काम आएगी, किसी ट्रेन में जाएंगे तो काम आएगी। तो जितना ज्यादा आप अबंडेंस फील करोगे ना, उतना ज्यादा आपके जीवन में अबंडेंस आने वाला है, फॉर श्योर। जितना मन हमारा हल्का हम रखेंगे, जितना हम क्लटर फ्री रखेंगे मन, जितना हम गंद से मुक्त रखेंगे मन को, उतना आपका काम फास्ट होगा। बट हाईएस्ट क्या है विश? सो हम, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं क्या हूं? मैं वो परम आत्मा हूं, वो परमात्मा हूं मैं। हम लोग हैं कौन? परमात्मा का अंश है। तुम पहचान क्यों नहीं पाते कि हम परमात्मा का अंश? क्योंकि जब ये आत्मा दृश्य जगत में फंस जाती है तब मन का उदय होता है। ये मन कहां से आया? मन आया ही तब जब हमको मिथ्या ज्ञान हुआ कि मैं परमात्मा से अलग हूं, मतलब मन बन गया। और जब तक इस मन को आप ना मन नहीं करोगे, आप बार 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 आते जाओगे। इसीलिए हाईएस्ट विश कौन सी? प्लीज लेट मी बी फ्री, लेट मी ऑल्सो अटेंड एनलाइटनमेंट। दिस इज द हाईएस्ट डिजायर विच वन कैन हैव। और ये डिजायर अगर उठ गई ना, मैं कौन हूं, मैं आया क्यों हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, इज गेटिंग सम पेनीज, सम रिलेशनशिप्स, some properties, is this the only thing why I'm here? ये सब तो बाय प्रोडक्ट है इस मार्ग का, ये सब बाय प्रोडक्ट है। गुरुदेव ने कहते हैं ना कि तुम नारायण को फॉलो करोगे तो लक्ष्मी कभी तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ने वाली। इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज, लक्ष्मी विल नेवर लीव यू। पाथ ऑफ नॉलेज क्या है? वो जो गुरुदेव ने 5 प्रिंसिपल हमको सिखाए हैं, समय समय पर अपने शरीर का आयुर्वेद के द्वारा ध्यान रखना, अपनी आत्मा का ध्यान के द्वारा ध्यान रखना, अपनी बुद्धि का नॉलेज के द्वारा ध्यान रखना, अपने प्राणों का प्राणायाम के द्वारा ध्यान रखना, ये सारी चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं, मजा है। ऐसी कोई आपकी विश हो जो पूरी नहीं हो, इस बात की गारंटेड है। 16 साल का अनुभव बता रहा हूं, छोटी विश हो या बड़ी विश हो, बुरी विश हो या अच्छी विश हो, एक भी विश ऐसी नहीं है जो अभी तक अनफुलफिल्ड गई। कितनी जल्दी पूरी होती है वो भी आपके हाथ में, उसके मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए। ब्रह्म मुहूर्त इज वन, रेगुलर अभ्यास इज वन, ऑन वेरियस ओकेशंस एंड टाइम्स यू कैन डू सर्टेन चैंटिंग्स, मे बी देवी कवचम, मे बी ललिता सहस्त्र नाम, मे बी लिसनिंग टू रुद्रम, रुद्रम जो अपनी रुद्र पूजा में आप संकल्प लेके बैठो, विल the wish be fulfilled if it's good for me and someone else has to face the consequences. Example, if there are 2 people and only one will get promotion. हाँ बिल्कुल, जिसका intensity wish में ज्यादा है, जिसके अंदर सत्व ज्यादा है, जिसके अंदर चलो सत्व अभी नहीं भी है लेकिन उसके पुण्य का उदय हो गया है, बिल्कुल होगा। जैसे एक नेता है, खूब दारू पीता है, खूब बदमाशी करता है, खूब भ्रष्टाचार करता है,
है तो वो पूरी तामसिक आत्मा इन सब कामों के हिसाब से तो, लेकिन उसके सारे काम पूरे हो रहे हैं। क्यों? वो पुरानी बासी रोटी खा रहा है, जो पिछले जन्म में उसने रोटी बनाई थी अभी उसके मजे ले रहा है। अरे बात सुन, तो इसका बहुत कोई ऐसा मापदंड नहीं है, लेकिन आपको कोई अपनी स्पेसिफिक, जैसे प्रमोशन की बात ले लो, अब आपका मन तो बहुत हो रहा है प्रमोशन हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, हो नहीं रहा, जिसको देखो उसका हो रहा, मेरा ही नहीं हो रहा। अब आपके उस समय कुछ कर्म ऐसे जो आड़े आ रहे हैं, जैसे ये प्लॉट मेरा बिकने को तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही बिक जाना था, कुछ कस्टमर आए भी तो मेरा उस समय बुद्धि नहीं चली कि ये अच्छा अपने को, मेरे को लगता और आ जाएंगे इसके पैसे, और आ सकते हैं ना। फिर जब कोशिश करी तो बिकने को तैयार नहीं हुआ, अब बिकने को तैयार नहीं हुआ, फिर ऊपर से वीटो पावर यूज किया 30 दिन, एक संकल्प के साथ साधना करी, फिर सिद्ध हो गया संकल्प तो। लेकिन इसमें हाईएस्ट क्या है, मैं तो कुछ ट्रबल में, आई डिडंट वांटेड टू हैव ट्रबल फॉर मी इन लाइफ, आई ऑलवेज वांट टू बी फ्री फ्रॉम हियर, मेरे को लोड नहीं चाहिए लाइफ में बिल्कुल, इसीलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक चलो प्लॉट फटाफट चले भी गया तो कभी और आ भी जाएगा, आना होगा तो आई वॉन्टेड टू बी लाइट हियर। मेरा चलो ठीक है भाई, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा प्रयोग करके देखा ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक चीज के लिए कि भाई चलो ये काम मेरा हो जाए। तो मुझे आज इन्होंने बोला हमारे अनिरुद्ध जी ने कि भाई आज आप भैया प्लीज सेशन लेंगे क्या, तो मैं बोला चलो आज ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, एकदम ताजा ताजा है, अभी गुरुदेव ने भी इसके ऊपर बात करी कि आपके संकल्प कब पूरे होते हैं, जब उसके अगेंस्ट में आपके मन में विकल्प नहीं उठे। विकल्प के नाश के लिए क्या जरूरी है, विकल्प के नाश के लिए भाव शुद्धि जरूरी है। भाव शुद्धि कैसे होती है, सत्संग से, मंत्र उच्चारण से। और क्या जरूरी है इसके लिए, पूर्ति के लिए, एंटी थॉट्स नहीं आए, क्रिया, आप क्रिया करते हो, क्रिया मतलब क्रिया व्हेन आई से आई मीन मेडिटेशन आल्सो, क्रिया जब आप करते हो आप देखो कितना भी आप कोशिश करो, कुछ डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, किसी व्यक्ति को 5 मिनट के लिए, किसी को 10 मिनट के लिए, किसी को 1 घंटे के लिए, किसी को 6 घंटे के लिए नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात, क्रिया को लेकर कितने लोगों का अनुभव है कि जैसे आप करते हो आपको कुछ समय के लिए तो आपके बंद हो जाते हैं। यस इजंट इट, हाँ, तो दिस इज हाउ इट इज। जितना आपके यहाँ पे कचरा कम है उतना ज्यादा आपके मैनिफेस्टेशन के चांसेस हाई। गुरु अगर जीवन में है आप उल्टा सीधा मांगोगे तो पहले वो डिले करेंगे, उसको नहीं होने देंगे पूरा। इसीलिए क्या मांगो, यदि ये मेरे लिए कंजीनियल है तो हो जाए, नहीं तो इससे अच्छा जो मेरे लिए हो जाए। गेटिंग द पॉइंट। अब आपकी बारी है प्रश्न होने की, प्रश्न पूछने की। यस यस भैया, मेरा एक प्रश्न ये है कि जनरली हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को बोला जाता है कि 100% दो 100% दो, लेकिन एक होता है ग्रेस का पार्ट जिसमें हम लोग बोलते हैं कि उसको छोड़ दो, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अपना ज्यादा एफर्ट नहीं डालते और बाकी सब ग्रेस पे छोड़ देते हैं। तो क्योंकि हम लोग ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम लोग ने बहुत ही कम मेहनत की, बाद में बोलेंगे कि नहीं इतना ही आना था, इतने लोगों की किस्मत में था, तो ये सारी बातें बोलने लग जाते हैं। तो भैया ये फाइन लाइन क्या हुआ 100% देने का इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? देखो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एक शिष्य रहता है, वो अपने गुरु से बार बार बोलता है, गुरु जी इतने दिन मैंने तपस्या कर ली, अब मेरे को आत्मज्ञान चाहिए, अब तो मेरे को मोक्ष चाहिए, अब तो मेरे को, मतलब सिर ही खा जाता है गुरु का। तो गुरु और शिष्य दोनों एक बार गंगा तट पे जाते हैं, फिर बोलता है, गुरु जी बहुत दिन हुए मैं, हम आपसे बोल रहे हैं बार बार कि कृपया हमें भी मोक्ष दिलवा दीजिए, मोक्ष दिलवा दीजिए। तो बोले अच्छा गुरुदेव, बोलते ठीक है तू जरा मुंह धो। जैसे ही मुंह धोने के लिए झुकते ना, गुरु जी उसके बाल पकड़ते हैं और उसको पानी के अंदर ही डुबो देते हैं। वो बुड़ 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 तड़पता बिल्कुल ऐसे हाथ पर छपता है, और बस जब उसके प्राण निकलने वाले होते हैं ना तो गुरु उसको बाहर निकालते, वो ऐसी लंबी गहरी सांस लेता है। बोले ये क्या करा गुरु जी, आप तो मेरे को मार ही दिया बिल्कुल। बोले तड़प गया मैं उस एक सांस के लिए। तो गुरु उसको बोलते हैं, जिस तरह तेरे को तेरी जिंदगी के लिए उस एक सांस की तड़प थी, जिस दिन तेरे को मोक्ष के लिए वो तड़प आ जाएगी ना, उस दिन तेरे को मोक्ष मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई आपके विश
मैनिफेस्ट करवानी है तो आपके कण कण के अंदर उस समय के लिए वो रिवरब्रेट होनी चाहिए, वो आपके हर कण कण से वो चीज झलकनी चाहिए, वो चीज की आह और चाह होनी चाहिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आप ग्रेस पे डिपेंडेंट हो। गिव योर 100% देन लीव द रेस्ट। गिव योर 100% अपना 100% देने के बाद आपको उसको छोड़ना है। कोर्स के रात के 11 बजे तक आपका फोन कॉल चालू है, ये आपने 100% दिया। उसके बाद में अगले दिन सुबह 6 बजे 10 लोग आए कि 100 लोग आए, फिर वो आपके हाथ में नहीं। आपने कोर्स के 4 दिन पहले से ही सोच लिया कि बस यार अब तो हो गया, अब जो आना होगा हो आ जाएंगे यार, अभी तो गुरु जी करेंगे ना, हमारा क्या काम है यार। तो दैट इज हाउ पीपल मिस यूज और दे मिस इंटरप्रेट वॉट गुरुदेव हैज टॉट। यू हैव टू बी योर 100%। हर चीज देखो काल से बंधी हुई है। कितना भी वर्ल्ड ने प्रोग्रेस कर लिया, एक माइन्यूट से एक परजीवी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अभी तक हिला के रखा हो, ये किसका काम है? इस काल का काम है। काल बोले तो क्या, समय का काम है। लेकिन काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो इसीलिए जो चैंटिंग्स है, रुद्रम है, ये जो अपना ललिता सहस्त्र नाम है, इनका आप श्रवण मात्र से, कोई जरूरी नहीं कि आप पंडित बन के उसको चैंट करना सीखो, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ सुनने मात्र से ही आपको उन सारे इतने जो हजारों वर्षों से जो इनको ऋषि मुनियों ने सुपर चार्ज किया है, उस सारा आपको वो इफेक्ट मिलने लगता है सुनने मात्र से। गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए गिव योर 100% एंड देन लीव द रेस्ट। नॉट लीविंग द रेस्ट टू गुरुजी एंड नॉट गिविंग योर 100%। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? प्रांजल जी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मैं यूट्यूब से एक क्वेश्चन ले लूं, बहुत पहले से आया हुआ है। संकल्प, स्वरूपा जी, स्वरूपा सेन जी पूछ रही है, संकल्प लेने के बाद हर दिन प्रार्थना कर सकता हूँ भैया? मीन्स संकल्प लेने के बाद छोड़ना है कि हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा है? नहीं, संकल्प लेने के बाद में देखिए अब वो डिपेंड करता है। कायदे से संकल्प क्या हुआ, संकल्प छोड़ने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर, जैसे अब आपने मान लीजिए त्रयंबकम होमा किया या आप रुद्र पूजा में बैठे, संकल्प लेके बैठे, तो संकल्प क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ते हैं संकल्प? कि भाई जो भी तुम्हारी डिजायर है वो तुम इस पूजा के पहले ही अपने उन डिजायर को छोड़ दो, नहीं तो पता पड़ा है उस पूजा के अंदर पूरे समय तुम्हारे मन में उसी बात की लेके चिंता या मनन चलता रहेगा, तो तुम उस पूजा में 100% का दे पाओगे। इसीलिए संकल्प जो भी आपके मन में इच्छा है उसको सरेंडर करके निश्चल भाव से, भोले भाव से हमको किसी भी पूजा में, विधान में, क्रिया में, साधना में बैठना चाहिए। अगले दिन आप जब बैठ रहे हो वापस से, पुनः आपने संकल्प लिया, दैट इज ऑल राइट। बट वो संकल्प को आप पूरी क्रिया में दोहराते जा रहे हो, पूरी पूजा में दोहराते जा रहे हो, तो इट विल फिर तो इट इज लाइक गुरुदेव बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। डिजायर कैसी होती है, आप संकल्प कैसा होता है, जैसे हम मूवी हॉल में जाते हैं तो जो आपका टिकट है, टिकट दो हिस्से में होता है। अब आधा हिस्सा आपको गेट कीपर को देना पड़ता है ना, आपके उसको टिकट को आपको गेट कीपर को देना पड़ता है, तो वो फाड़ता है उसको आधा, या आधा फाड़ के आपको एक हिस्सा पकड़ाता है, यस नो? अब आप गेट कीपर को बोलोगे नहीं मैं तो तेरे को टिकट नहीं दूंगा, तो गेट कीपर भी आपको जाने नहीं देगा। तो किसी भी क्रिया में, पूजा में प्रवेश करने से पहले जो भी आपके मन में चिंता से मुक्ति चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो, उसको आप सरेंडर करके एकदम खाली होके बैठना इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। इस प्रांजल जी अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। पूछिए प्रांजल जी। चलिए प्रांजल जी, जस्ट अ सेकंड, मैंने सिक्योरिटी में ऑफ करके रखा था, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। अभी मैंने बाकी सबको आप म्यूट कर दो, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। यस यस, बाकी सब म्यूट रखिए, मैंने वो ऑप्शन खोल दिया है। हाँ पूछिए प्रांजल जी। ठीक है ना भैया जी,
भैया जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि जो आपकी किस्मत में है वो आपसे बुद्ध भी नहीं ले सकते और जो नहीं है वो इंद्र भी नहीं दिला सकते, ऐसा मैंने कहीं सुना है। तो जैसे आपने ये विशेष वाली आज इतनी सारी बातें बताई, तो अगर हम कुछ भी कर ले और वो किस्मत में नहीं होगा तो फिर वो नहीं होना है पूरा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम 100% श्योर कि आपने गलत सुना है। उसका रीजन ये है कि ये गुरुदेव की वाणी है कि ये मार्ग ऐसा है, गुरुदेव की एक टॉक है जो हमको सबको एक दिन मिलकर सुननी चाहिए, और उस टॉक का नाम है स्पिरिचुअल पाथ एंड ट्रस्ट। और उस टॉक में गुरुदेव ने बोला है कि तुम क्या छोटी छोटी बातों पे रोते रहते हो, रोने के लिए आए हो क्या तुम? ये मेरी तुमको गारंटी है कि बीच रेगिस्तान में भी तुमको मैं खीर ला के दूंगा। दिस देयर इज वन टॉक जो वॉलंटियर्स और टीचर्स सुन सकते हैं। जो अपन उसमें सब लोग मिलके सुन सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्ग ही ऐसा है कि जो आपने सोचा था कि इम्पॉसिबल है ये, तो वो पॉसिबल हो जाता है। अपने आर्ट ऑफ लिविंग में मैक्सिमम टीचर से आप पूछोगे तो किसी को, मेरे जैसे लोग को बोलना नहीं आता था, दो लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, माइक पकड़ने में तो हाथ पैर कांपते थे। सो दिस पाथ इज फुल ऑफ, क्योंकि ये पाथ है क्या, ये पाथ खुद को जानने का है। और आप खुद कौन हो? आप तो भगवान हो। अगर आपको ये जिस दिन ये पता पड़ जाएगा मैं भगवान हूं, तो आपके पास तो सारी ऑलरेडी ताकतें हैं, इट इज ऑल देयर इनसाइड, यू जस्ट नीड टू रियलाइज इट। तो ये जो आपके पास है वो बुद्ध भी नहीं ले सकते, और जो आपके पास नहीं है वो इंद्र भी नहीं दे सकते। तो जो आपके पास है वो बुद्ध, आपके पास आने वाला है वो बुद्ध नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो आपको नहीं मिला है वो 100% इस पाथ पे मिलेगा, गारंटीड। ओके, आपकी किस्मत में जो नहीं है वो भी इस पाथ पे मिलेगा गारंटेड। इसीलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स की जब कुंडली देखता है तो उसकी कुंडली में कुछ और लिखा रहता है लेकिन उसके जीवन में कुछ और घट रहा होता है। क्योंकि जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो फिर ये सारे स्टार्स वगैरह का कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं रह जाता। हाँ ओके, बोलिए। वाओ भैया, बहुत ये तसल्ली वाली लाइन लगी भैया। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। मैं कौन सा लूं? एक सेकंड, मैं तरंग जी का लेता हूं। हाउ टू नो इफ वी आर स्पेंडिंग आवर एनर्जी ऑन राइट टारगेट और विश? हाउ डू वी नो दैट वी आर स्पेंडिंग आर, देखो, एनी विश विच गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल शुड बी टेकन, है ना? ऐसा, ऐसी विश आपकी होनी चाहिए जिसकी वजह से अधिकतर लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, ऐसी जगह पे आपको अपनी एनर्जी डालनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट, है ना? एनी डिसीजन विच गिव्स मिनिमम पेन टू मिनिमम पीपल एंड मैक्सिमम गेन टू मैक्सिमम पीपल शुड बी टेकन। जैसे प्रमोशन, दो लोगों को एक ही प्रमोशन चाहिए, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था। अब आपका उस प्रमोशन से यह है कि चलो भाई मेरे को प्रमोशन हो गया तो मैं और फ्री हो जाऊंगा, और ज्यादा आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा कर पाऊंगा। चलो ये प्रमोशन हो गया तो मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं थोड़ा और एक गरीब बच्चों को गोद ले पाऊंगा। तो क्या हुआ, किसी और की कॉस्ट पर आपको प्रमोशन मिला लेकिन उसकी वजह से 50 लोगों का जीवन में फायदा हुआ। तो हमारी एनर्जी कहाँ पे डालनी चाहिए? एक ऐसी विश पे जिससे ज्यादातर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस फायदा पहुंचे। ओके, नेक्स्ट। भैया एक क्वेश्चन आया है, ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे तक रहता है? भाई आप गूगल पे जाएंगे, सनराइज टाइम अपनी सिटी का चेक करें, और सनराइज टाइम में से 90 मिनट्स आप माइनस कर दें। मतलब जैसे आपकी सिटी में मान लीजिए 6 बजे सूरज निकल रहा है, उसमें से 90 मिनट्स घटाए तो कितने बचे? 4:30 पे आपके अब ब्रह्म मुहूर्त चालू हुए। और ब्रह्म मुहूर्त में करी हुई साधना तो मतलब एकदम ऐसा डबल ट्रिपल मैनिफोल्ड बेनिफिट्स वाली होती। हाँ, हम लोग डेली साधना करते हैं मॉर्निंग 6 o'clock पे, नॉट ब्रह्म मुहूर्त बट हाँ ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्रह्म मुहूर्त। ओके,
बताइए भैया, उनका प्रश्न था कितने बजे, मींस कितने ड्यूरेशन तक वो रहता है? आपको कितने ड्यूरेशन से मतलब नहीं, योर साधना शुड स्टार्ट, डेढ़ घंटे का रहता है ब्रह्म मुहूर्त। बहुत सारे YouTube में कमेंट्स आ रहे हैं, भैया एक गुरु स्टोरी शेयर कीजिए। गुरु स्टोरी शेयर कर, विशेष के ऊपर ही गुरु स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। चल तो बात ऐसी थी कि ये नवरात्रि के बाद में गुरुदेव अक्सर कहीं ना कहीं एक छोटी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं बैंगलोर से निकल के। तो नवरात्रि थी, आई थिंक इट वाज अराउंड 2009 या 8 की बात है, 2008 की बात है। तो नवरात्रि हुई और गुरुदेव का सीक्रेट प्रोग्राम रहता है, और ऐसा सीक्रेट रहता है जो अधिकतर लोगों को पता रहता है। तो वो पता पड़ा कि गुरुदेव जाएंगे मैसूर, बैंगलोर से मैसूर करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो हम भी सब गुरुदेव के पीछे पीछे कार में पहुंच गए। अब कार में पहुंचे तो गुरुदेव पहले मैसूर में बहुत छोटा सा अपना आश्रम है वहां गए, वहां पे ऐसी सत्संग वगैरह हुआ, वहां से किसी डिवोटी क्या गुरुदेव को लंच पे जाना। तो अब आर्ट ऑफ लिविंग की जनता तो आपको पता है कैसी पागल होती है गुरुदेव के पीछे। तो वो डिवोटी क्या, वो आगे आगे पुलिस की कार जो गुरुदेव को एस्कॉर्ट करती है, पीछे गुरु जी की कार, और पीछे 40-50 गाड़ियां, और वो कॉलोनी में घुस गए और धड़ ब्रेक लग रहे हैं, वो जिसको जहां जगह मिली गाड़ी टिकाई और गुरु जी के पीछे 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 ऊपर। अब मेरे साथ में मेरे मित्र थे उस समय अभिषेक कोहली, जो अब स्वामी जी बन गए हैं, और अभी जयपुर में उन्होंने बहुत सारी रुद्र पूजाएं भी करी, वो थे। और एक हमारी और साथ की कलीग थी डोना, नाउ शी इज इन यूएसए, डोना भट्टाचार्य, नाउ शी हैज बिकम डोना रत्ना बायसर ने। हम तीनों थे, तो हम तीनों थोड़े सिंसियर, बिल्कुल यार हम ऐसे नालायकी नहीं करेंगे, किसी और के घर में इतने सारे लोग घुस गए खाना खाने के लिए गुरु जी के पीछे पीछे, हम तो नहीं जाएंगे। अब सुबह के निकले हम 7 बजे के, दोपहर के 2 बज रहे थे, पेट में तो चूहे कूद रहे थे। अब जितने भी इनडिसिप्लिन सो कॉल्ड उद्दंड भक्त थे वो तो ऊपर पहुंच गए मस्ती से खाना खाने के लिए। अब इधर मेरे मन में तो संकल्प आया, जब तक गुरु जी नहीं बोलेंगे मैं तो खाना नहीं खाने वाला। अब 2:30 बज गई, 2:30 बज गई, कोई गुरु जी के तो कॉल आई नहीं, अब भूख लग रही जोरदार। अपने आर्ट ऑफ लिविंग में जो बेसिक कोर्स होता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है ग्रेप प्रोसेस, आप में से कुछ लोगों ने करी होगी जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स किया है, कुछ लोगों ने नहीं करी होगी तो अपने टीचर को बोलना जरूर कराए, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। ग्रेप प्रोसेस में वो मुंह में ग्रेप डाल के आपको, आप उसको इतने तन्मयता से खाते हैं कि वो एक ग्रेप का जो पीस है उसका स्वाद और उससे आपका पेट भर जाए। मतलब अभी वहां पे एक रास्पबेरी आती है उधर साउथ में, इधर इंदौर में अपने बाकी जगह पे भी मिलती है रास्पबेरी, तो वहां पे फ्रूट लगा था, हमने उसी से ग्रेप प्रोसेस चालू करा कि चलो कुछ तो भूख, तो उसको मुंह में लेके घुमाया, 4-5 खा गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, पेट तो पेट ही था, भूख लग रही थी जोरदार। अभी ये सब हम नाटक नौटंकी कर ही रहे थे कि क्या करें, चलो कहीं खा के आते नहीं तो जाके। इतनी देर में ऊपर से एक वॉलंटियर ने झांका, बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी लोग नीचे खड़े हैं ना आप लोग सब खाना खा लो, और ये जो पुलिस वाले हैं इनको भी आप साथ में खाना खिला लो। तो मैं बोला ये तो बढ़िया, गुरुदेव का आदेश आ गया, आराम से रज के पेट भर के खाना खाया। अब पेट भर के खाना खाया, गुरुदेव नीचे उतरे तो हम लोग गेट के वहीं खड़े थे उस मल्टी में जहाँ गुरुदेव गए थे। जैसे ही गुरुदेव निकले मेरे पास से और मेरी तरफ देख के मेरे को बोला, क्यों हो गई तेरी इच्छा पूरी? दिस इज हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आ एक नीचे खड़े हुए भक्त के मन में क्या चल रहा है, दिस इज व्हाट ही न्यू। एंड अभिषेक कोहली जी जो स्वामी जी बन गए, वो ही वाज लाइक ओ माय गॉड हाउ दिस गाय नोज एवरीथिंग, दिस इज एवरी टाइम वी गेट मेस्मराइज कि गुरुदेव को सब कैसे पहले ही पता पड़ जाता है। तो दिस इज अवर गुरु, यू नो, जो सबके मन की बात ऐसे, तो आप खड़े होते हो और आपका पूरा अगला पिछला उनके सामने खड़े हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मतलब गुरु की मूर्ति कैसी होती है, ध्यान मूलम, बस देखोगे तो ध्यान अवस्था का ही लाभ मिलेगा। पूजा मूलम गुरुर पदम, गुरु के जो पैर हैं वो क्या है,
पूजा योग्य है, उनको आपने देख लिया तो भगवान की पूजा होगी। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, एक बार गुरुदेव ने आपको कोई बात बोल दी ऐसा कर, तो फिर वो मंत्र के समान पावरफुल हो जाती है वो बात। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और अगर आप गुरु की कृपा के आप पात्र बन गए फिर तो ये सब एक तरफ और आपका मोक्ष का द्वार एक तरफ। सो दिस इज हाउ इट इज। गुरु के कृपा के पात्र कैसे बनते हैं? उनके मिशन को अपना विजन बना लेने से, या उनके विजन को अपना मिशन बना लेने से। क्या है गुरुदेव का विजन? इस ज्ञान को सब लोगों तक फैलाना, ताकि एवरीवन कैन बी हैप्पी, एवरीवन कैन बी पावरफुल। व्हाट द पॉइंट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप नो मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि पूछिए, चलिए एक दो और पूछिए। अगर किसी का मिस हो जाए तो प्लीज सॉरी उनके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। भैया, व्हेन टू अपना विश पूरा होने के लिए कितना वेट करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आया है मनीषा निगम जी का। देखो ऐसा है, मैं आपको सही बात बताऊं ना, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ गुरुदेव ने अभी जो वो मुरुगन रहस्य नाम का जो करवाया था प्रोसेस। कोई भी हम अगर विष से जनित साधना करते हैं तो एक तरीके का पाश्विक कृत्य है। हाईएस्ट साधना क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोका समस्ता सुखीनो भवन्तु। तो ये मार्ग ऐसा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप बिल्कुल गारंटी है कि आपकी हर इच्छा पूरी होनी है, लेकिन चूंकि गुरु है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि जब आपकी उस चीज का उपयुक्त समय आएगा ना, वो चीज अवश्य 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 पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। जैसे अभी शायद इस यही समय वो था, मतलब मैंने तो 30 डेज लगे मेरे को, मैंने उसमें तो चूंकि मैंने डेट ये रखी थी कि 31 अगस्त के पहले मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो इट टुक 30 डेज फॉर मी for this to many 27 days to be precise for this to manifest for me 27 din lage। to ab wo aisa kuch iska mapdand nahi, aap mein kitna satva hai, aapka wo jo shishya ko guru ne dubaya tha to usme jaise jinda rehne ki tadap thi to aap mein apni us wish ke liye kitni tadap hai, wo sari cheezon ke upar ye cheez depend karti hai। ha lekin aap jitna apne man ko satva mein rakhenge, जितने अपने मन को खाली रखेंगे, जितना आप हॉलो एंड एम्प्टी असंगो हम पुनः पुनः में जिएंगे, उतना आपको आपके विश का मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा, और जितनी कम विशेष रहेंगी उतना फास्ट होगा। ओके नेक्स्ट। हाँ भैया, आपके साथ मॉर्निंग साधना करना है तो उसका लिंक और कैसे मिल सकता है? क्या उसका लिंक कैसे मिल सकता है? तो आप मुझे भेज दीजिएगा, अगर आप भेज सकते हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल, व्हाई नॉट, मैं आपको भी भेज देता हूँ, और साथ में मैं चैट पे मेरा नंबर लिख देता हूँ, तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मॉर्निंग साधना का आईडी भेज दूंगा। और अभी तो हम स्पेशल अभी 7 डेज का चक्र साधना चालू करने वाले हैं, जिसमें 7 जो अपने अपने अलग 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 चक्र होते हैं, मेनली जो वाइब्रेशंस जो छंद क्रिएट होते हैं वो हमारे इन चक्रों पे क्रिएट होते हैं, उन छंद को शांत करने का नाम ही ध्यान है या कुंडलिनी जागरण है। तो अभी हम 7 डेज परसों से हम लोग विल डू 1 डे ईच चक्रा क्लीनिंग एंड साधना, एंड ऑब्वियसली इट कंप्राइजेस ऑफ अवर पद्म साधना एंड सुदर्शन क्रिया एंड सहज समाधि, ये 3 तो कंपल्सरी मॉर्निंग साधना में होते हैं। या मोबाइल नंबर प्लीज सेंड। ओके टू एवरीवन। जो अभी 74 लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं और वो भी मांग रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि ये मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा लिंक मॉर्निंग ग्रुप साधना का, तो ये सेशन तुरंत अपलोड हो जाता है, विद इन 10 मिनट्स वी एंड द सेशन, तो आप तुरंतली ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप लिंक ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर भी डाल दूंगा, तो ताकि आप उनको फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, नंबर है 9982640704।
आप प्लीज इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 9826407004। ओके या नेक्स्ट। अभी तो भैया बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इसका आंसर दे दिया है स्टार्टिंग में जब आपने बताया था। तो जो लोग भी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शुरू से ये जब सेशन देखेंगे बाद में, आप लगता है लेट ज्वाइन किए हैं, अब ये यूट्यूब में अवेलेबल है हमेशा के लिए है, तो अब शुरू से ये सेशन देखेंगे तो बहुत डिटेल में भैया ने बताया, तो वहां पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एंड थोड़ी सी समय की सीमा है इस वजह से, वैसे तो भैया बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है, तो मैं अगर भैया रीड कर दूं क्या, अगर आप पर है तो फटाफट, अगर आपको कुछ हाँ। इसमें से अलग लगे तो मैं बहुत फास्ट रीड कर देता हूं मैं। ठीक ठीक, एक सेकेंड। रेडमी करके उन्होंने लिखा, आई हैव अ क्वेश्चन, जब हम लोग कुछ गोल सेट करते हैं लाइफ में, वी कंट्रीब्यूट टू इट इमोशनली फिजिकली मेंटली, लेकिन जब 90-95% उस पाथ पे जर्नी कंप्लीट करके ड्यू टू सम रीजन गोल चेंज हो जाए करना पड़ता है, तब पूरा एंथुजियाज्म डाउन हो जाता है, उस सिचुएशन में खुद को कैसे संभाले, ये क्वेश्चन। गिव योर 100% बट इन राइट डायरेक्शन, द डायरेक्शन शुड बी राइट, एवरीवन कैन नॉट बी एन IITian, everyone might not do business, everyone cannot become a CA. तो क्या होता है कि जीवन में कई बार हमें कुछ समय लग जाता है अपना स्किल सेट पता करने में। अभी मैं दिल्ली गया था, हमारे एक स्टूडेंट है, उनके जो बेटे हैं वो CA बने। सोचो CA की पढ़ाई कितनी टफ होती, फिर उनको रियलाइज हुआ है CA तो मेरा बस मेरा मेरे लिए नहीं है CA, है ना। देन ही स्टार्टेड हिज ओन ऑनलाइन e-commerce प्लेटफॉर्म एंड ही इज डूइंग सो गुड देयर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना ट्रू गोल पहचानने में टाइम लगता है, लेकिन ये जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ये आपको बहुत जल्द ही आपके ट्रू गोल तक पहुंचा देती है। हो सकता है आप एक इंजीनियर हो लेकिन आपको रस ही नहीं आता इंजीनियरिंग, जबरदस्ती घर वालों के कहने पे बन गए, पैसा आ रहा है इसलिए काम कर रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा धैर्य के साथ में अपना वो ट्रू गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए, दैट व्हाट एम आई मेड फॉर, या व्हाट इज बीइंग मेड फॉर मी टू डू। एंड दैट डेफिनेटली जब हमको इतना हम ध्यान साधना करते हैं, डेली क्रिया करते, तो क्लैरिटी आती है जीवन में कि मुझे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके नेक्स्ट। एक जन ने क्वेश्चन पूछा है लेकिन वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी रीड आउट कर देता हूँ उसको। वो पूछ रहे हैं कि मधुचंदानी जी, अगर आप हैं वहां पे तो अनम्यूट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। सर अगर किसी एक के विश हो और किसी के मन में एक नेगेटिव सोच हो और एक की जैसे आपने बोला तो क्या होगा, प्लीज आंसर में, मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया तो मुझे भी नहीं समझ में, कोई बात नहीं। ओके तो आई थिंक ये ना, आप जब शुरू से देखोगे ना वीडियो तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और बाकी आप आइए, 3-4 दिन साधना में आइए, साथ में हम उसको और डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। ओके दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एवरीवन टेक केयर, जय गुरुदेव, मे ऑल योर गुड विशेस कम ट्रू सून, माय ब्लेसिंग्स टू यू, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, यस, थैंक यू सो मच भैया। मैं सभी से दो दो चीजें बताना चाहूंगा। यूट्यूब में बहुत सारे जन भैया का मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे सब पूछ रहे हैं कि यूट्यूब में कहाँ अवेलेबल है, सत्वा टॉक्स आप यूट्यूब में लिख देंगे तो आपको ये सेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड ये बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, तो जितने भी लोग हैं ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम लोग डेली रात को 9:10 पे ऐसे ही सेशन करते हैं। And thank you so much, bhaiya, once again for coming and sharing this wonderful knowledge. And itna acha laga, and itne detail mein aapne bataya. Thank you so much. Jai Gurudev. Thank you, bhaiya. Wonderful session. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev.